और इस बीच जयपुर से खबर, जहां जयपुर वासियों को आज पेयजल का संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके वजह क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। कारण ये है कि बिसलपुर परियोजना के बालावाला पंप हाउस पर होने वाला मेंटेनेंस का काम है। दरअसल पंप हाउस के 132 केवी जीएसएस के सालाना रखरखाव के लिए विद्युत प्रसारण निगम की ओर से आज 10:30 बजे से 2:30 बजे तक शट डाउन दिया गया है। इस दौरान यहां से पानी की सप्लाई का काम बंद रहेगा। ऐसे में शाम के वक्त होने वाली पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी। इसकी वजह से लाल कोठी, बजाज नगर, गांधीनगर, बापू नगर, हसनपुरा, सिविल लाइन्स, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर, प्रताप नगर इलाके में शाम को सप्लाई प्रभावित होनी है। तो एहतियातन आप वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज पानी की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम आज चल रहा है और इस लिहाज से आज आपको पानी सेव करके रखना है, ताकि रोजमर्रा के काम में, आपकी दिनचर्या में कहीं कोई परेशानी ना हो। और नरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, अपडेट कीजिए, कब तक लोगों को परेशानी से जूझना पड़ सकता है पानी की समस्या से? देखिए, आज जो है वो बालावाला पंप हाउस पे शटडाउन शुरू हो चुका है और 2:30 बजे तक जो है मेंटेनेंस का काम चलेगा। यानी 2:30 बजे तक बालावाला पंप हाउस से पानी जयपुर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसका सीधा सा असर आज शाम की जो सप्लाई है उस पे पड़ेगा और अधिकांश शहर में जो है आज शाम को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। चाहे विश्वकर्मा की बात हो, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, दिल्ली बाईपास या बॉस कॉलोनी की बात करें, गांधीनगर, बापू नगर और सिविल लाइन्स की, तो यहाँ की कई कॉलोनियों में पानी की सप्लाई आज शाम को नहीं हो पाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है जल विभाग के अफसरों द्वारा कि जो जहाँ पे ज्यादा समस्या होगी वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी, लेकिन देखिए टैंकर से पूरे शहर में सप्लाई करना काफी मुश्किल है। ऐसे में आज लोगों को शाम को पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। चलिए नरेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।